नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निकली नई भर्ती को लेकर। दोस्तों ये भर्ती मध्य प्रदेश के एमपी ऑनलाइन सेक्टर में निकाली गई है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, आपको बात करना अच्छे से आता है, तो ऐसे में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें और आपका जो वेतन रहेगा काफ़ी आकर्षक रहेगा। और इसमें खास बात यह है कि आपको सिर्फ डे शिफ्ट में ही काम करना है। दोस्तों अगर आप इसके अप्लीकेबल है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको इसकी पट्टी पे ही इसका विज्ञापन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वी आर हायरिंग, तो यहाँ देखिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो इसका पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में राइट साइड में लिखा हुआ है कैरियर एट एमपी ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसकी जानकारी आपको अच्छे से मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की वैकेंसी निकली हुई है, टेस्ट एनालिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो इनमें दोस्तों बीई पास मांगा गया है, लेकिन हमको अप्लाई करना है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाले बटन पे, तो इस तरह से दोस्तों ओपन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आपका स्नातक है, बीए बीएससी बीकॉम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और आपने एमए एमएससी भी कर लिया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव की बात करें दोस्तों, इसमें आपका अगर जीरो अनुभव है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपका एक साल का अनुभव है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेंशन की लेने की बात ही नहीं है, बस आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, आपको बात करने का तरीका और अच्छी तरीके से सब चीज़ें आना चाहिए, तो यार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर में आपको एमएस वर्ड एमएस एक्सेल का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है और आपको कंप्यूटर के सामने ही बैठना होता है। दोस्तों इसमें अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी जानकारी ऐसे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको इसमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको नीचे में अप्लाई नो वाली बटन दिखेंगे, तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है, तो इसका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करना चाहते हैं इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अदर पोस्ट भी दी हुई है। अब दोस्तों इसके बाद आता है पर्सनल डिटेल, तो इसमें आपको अपना नाम फिल करना है जैसा आपकी एजुकेशन मार्कशीट में है। फिर दोस्तों लास्ट नेम में आपको अपनी सरनेम फिल करनी है जैसा मार्कशीट में है, अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ पे लिखना ही है। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों ही चीज़ एक्टिव रहना चाहिए। सारी सूचनाएं आपको इसी में मिलेंगी। अगर आप एमपी के बाहर के हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर एमपी के हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने अनुभव की जानकारी देनी होगी। दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों यस जो बटन दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और सारी जानकारी आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। अगर यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली नो सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टार भी लगा तो जरूरी नहीं है। फिर दोस्तों फुल टाइम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसकी जानकारी आपको देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यस करना जरूरी है और आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना भी जरूरी है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपली आप दे सकते हैं, यहाँ पे हम यस कर देते हैं। फिर दोस्तों ब्रेक इन करियर, अगर आपने एजुकेशन और जॉब के बीच में ब्रेक लिया है तो आपको यहाँ पे इसकी जानकारी देनी होगी। अगर लिया है तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया है कोई भी ब्रेक तो यहाँ पे हम नो करेंगे। तो यहाँ पे हम नो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट लाइन है सबसे मेन है, पिछले 6 महीने में अगर आपने एमपी ऑनलाइन की किसी सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लिया है तो उसकी जानकारी को देना होगा। और आपको यहाँ पर नो ही करना है, अगर आपने लिया तो यस करेंगे लेकिन आप इसमें अप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, तो यस की जानकारी आपको दे देना है, तो नो कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर दोस्तों की स्किल्स, तो यहाँ पे आपकी जो भी स्किल्स है, आपकी जो भी क्वालिटी है आपके अंदर, तो उसकी जानकारी यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे डोमेन के रूप में बता रहा हूँ, तो आप ये भी लिख सकते हैं या अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपको अच्छा लिखेंगे। जितना अच्छा लिखेंगे दोस्तों उतना ही आपकी यहाँ पे प्राथमिकता आपको मिलेंगी। तो अच्छे से लिखना है यहाँ पे की स्किल्स में अपने बारे में। और उसके नीचे दोस्तों देखिए अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन है, तो रिज्यूम आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाना है। ये नहीं किसी साइबर कैफे में चले गए, 10-20 रुपये वाला रिज्यूम बना लिए और उसी को उसमें अपलोड कर दिए, तो उसमें कोई खास बात नहीं रहती, सभी का सेम रहता है। तो ऐसे में आप अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए। आज एक से एक साइट आ चुकी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जितना अच्छा आपका रिज्यूम रहेगा उतना ही आपको इसमें प्राथमिकता मिलेंगी। और दोस्तों ये जो प्रोसेस रहती है 3 महीने के अंदर तक चलती रहती है, और उसमें से आप सिलेक्शन होता है तो आपको ईमेल या मोबाइल के माध्यम से यहाँ पे आपको सूचना दी जाती है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बाकी इसमें कोई किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, अपना रिज्यूम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल करना है। और आपका 10वीं में कम से कम 50% होना भी जरूरी है, अगर आपका 50% नीचे है तो आप इसके अप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस फॉर्म को फिल करने में या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी सवाल हो, दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर में इसके मिलेंगे किसी नए रोजगार समाचार के साथ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।